राधिका वेलकम ऑन यू सर एंडा लेट बीचुलेट यून योर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के इंटरव्यू के बाद आपसे बात करने का आपको मैं करने का ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू गाइडेंस एंड आई मस्ट से आपका जो केस है वो बहुत एक इंस्पिरेशनल केस है yes, आपने sir. अपना करियर स्टार्ट किया एक मॉडस्ट जॉब के साथ दो इन गवर्नमेंट यू इन डीसी ऑफिस डी एज ऑफिस क्लर्क एंड देयर यू वर डूइंग वंडरफुल जॉब एंड उसके बाद आप अपना ड्रीम प्रस्यू करती रही एंड यू नाउ प्रेजेंटली यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट कॉलेज हिमाचल प्रदेश तो आपसे राधिका आप एक रोल मॉडल हैं गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए और उन सब yes. लोगों के लिए जो अपना ड्रीम परस्यू करना चाहते हैं आज का जो मेरा सारा इंटरेक्शन होगा वो उसका मेन पर्पज है जो आपको सुने उनको इंस्पिरेशन मिले और उनको इन्फॉर्मेशन मिले सो so, yes. मैं स्टार्ट करता हूँ राधिका आपकी बैकग्राउंड से आप प्लीज हम सबको बताएं आप का बैकग्राउंड आप कहाँ से हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कहाँ आपका टाउन आपका विलेज कहाँ पे है आपकी स्कूलिंग कौन से स्कूल से हुई आपका कौन से कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन हुआ वो थोड़ा सा आप बताएं जी सर सर मेरा नाम राधिका जैसे कि आपने हाँ बताया और मैं डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ कानम है गांव का नाम मेरे और मैंने अपनी स्कूलिंग के वी जाखू शिमला से की है जो कि शिमला में है सर और मैं प्लस टू में भी टॉपर थी रीजनल टॉपर थी मेरे नाइन्टी फोर पॉइंट थे कमर्स में उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली से की है जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बोलते हैं और सर वहाँ भी मैं कमर्स की टॉपर ली एट सी थे मेरे उसके बाद मैंने एम कॉम का एंट्रांस दिया एच पी यू में और मैं इनरोल होगी वहां पे उसके बाद सर इन बिटवीन मतलब जब मैं एम कॉम परस्यू कर ही रही थी मेरी जॉब लग गई थी क्लर्क की डीसी ऑफिस में किन्नौर में तो कुछ कारणों की वजह से मुझे ज्वाइन करना पड़ा वहाँ पे पर मैंने अपनी स्टडी नहीं छोड़ी और मैंने अपनी स्टडी प्राइवेट करी उसके बाद एम कॉम कंप्लीट किया मैंने फिर मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी वन में सर अपना सेट का एग्जाम भरा था स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था मैंने कई बार नेट भरा पर मैं कहीं कानों से दे नहीं पाती थी कई बार रोड बंद होते थे कि नॉर्थ के तो मैं आ नहीं पाई फिर 2022 में वैसे ही एच द्वारा निकाली गई कमीशन से और मैंने इनको फेल किया एडवर्टीजमेंट को और सर मैं 2023 में क्लियर हो गया और मुझे इंटरव्यू में मतलब थोड़ा फेयर था मुझे स्टेज फेयर था तो इसलिए मैंने युवा पीडिया को चूज किया और आप मेरे मेंटर रहे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया

ओके okay, राधिका अब देखो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हम डिटेल में पूछेंगे आपसे लेकिन उससे पहले दो तीन बात जानना चाहूंगा कि आपको जब जॉब मिला डीसी ऑफिस में क्लर्क तो ऑब्वियसली uh, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अच्छा डिजर्व करती थी और आपको मिला भी कोई जॉब अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती क्लर्क का जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं जब आपसे इंटरेक्शन करता था तो इस चीज पे हमने बहुत प्रिपरेशन किया कि हम क्लर्क का जॉब जॉब कर रहे हैं वो इंटरव्यू में पूछा जाएगा और शायद वो पूछे कि आप क्या करती हैं वहां तो आपने बताया भी था कि आप जी क्लर्क आप कुछ एक्टिविटीज uh, ऐसी भी कर रही है जो आपने एडिशनल मल्टीटास्किंग ले रखा है आप हमें थोड़ा सा राधिका ये बताएं कि जब आप डीसी ऑफिस में काम किया आपने, तो आपके वहां पे एक्सपीरियंस कैसा रहा था कितना टाइम आपने किया और कैसा एक्सपीरियंस था आपका सर सर अक्टूबर 2019 में मेरी सिलेक्शन हो गई थी और मैंने 23 अक्टूबर को ज्वाइन किया था वहां पे तो फर्स्ट में पर कुछ टाइम बाद मुझे एज अ पीए चूज किया गया असिस्टेंट कमिश्नर की तो पीए का होता है वो बहुत डायनामिक होता है और बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिक भी होता है तो मैं जॉब के लिए थोड़ा जॉब के साथ प्रिपेयर कर पाना मुश्किल हो रहा था पर उस जॉब ने टाइम मैनेजमेंट में हर चीज में मुझे बहुत हेल्प की ग्रो करने में स्पेशली क्योंकि कुछ जो स्किल्स है वो मैं वहीं से सीखी तो सर इस मतलब क्लर्क की जॉब ऐसे डायनामिक बहुत ज्यादा है बट मैंने बहुत अच्छा मतलब उसमें किया और मुझे अच्छा लगा वहां पे काम करके क्योंकि उसने मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प की काफी उस जॉब ने जी सर अच्छा तो आपने उसके साथ साथ प्रिपरेशन किया और आपने ये एग्जाम को निकाला भी अच्छा तो राधिका आपने कभी टीचिंग किया था उससे पहले आ, नहीं सर ऐसे नहीं मैंने कई बार ट्यूशन पढ़ाई थी लाइक प्लस तो के बच्चों को बट मैंने टीचिंग ऐसे जनरली कभी नहीं की थी सर टीचिंग मेरी छूटी गई थी मैं। पर मेरा सपना था कि मुझे प्रोफेसर बनना है तो मैंने कंटिन्यू रखी थी अपनी स्टडीज तो अभी आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी कहाँ पे मिला है आपको कॉलेज और कहाँ पे आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही है सर ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आनी तो वहां पे मिला okay. है मुझे hmm. तो आप इस कॉलेज के बारे में हमें कुछ बताएंगे कि, कि किस तरह का कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था अगर कुछ आपको इसका है 2006 में बना था जहां तक मैंने वहां के लोगों से जाने की कोशिश की पर जो इसकी बिल्डिंग की खुद की वो 2016 में बनी है सर और okay. हांजी और सर बहुत दूर दूर से गांव के एरिया से ही आते हैं वहां पे बच्चे तो बहुत दूर hmm. दूर से आते हैं कहीं को 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर ट्रेवल करके आते हैं तो बहुत अच्छा कॉलेज है बच्चे भी काफी अच्छे हैं वहां पे तो आपको कैसा लग रहा है नया अपना जॉब टीचिंग का करना जिसमें आप बच्चों के फ्यूचर के साथ यू नो डील करती हैं और बच्चों का फ्यूचर बना सकती हैं कैसा लग रहा है आपको ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से उनके पास रख पाती हूँ उनको बता पाती हूँ कि आपको कैसे करना है क्या करना है और उनके साथ जॉब ऐसा है कि टाइम का पता नहीं लगता बहुत अच्छे से सारा टाइम चले जाता है कि पता ही नहीं लगता कि कब क्या हो रहा है अब तो टीचिंग बहुत डायनेमिक हो गया है राधिका मतलब अब पुराने वे में टीचिंग नहीं होता और इनफैक्ट क्योंकि आपने बहुत डायनेमिक प्रोफाइल पे काम किया भी है डीसी ऑफिस में आप थी तो आपको ये चीजों का मेरे ख्याल से आइडिया होगा भी कि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं अब गवर्नमेंट भी एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं तो अब एजुकेशन जब आपने लिया होगा और अब आप टीचर हैं पहले आप एज अ स्टूडेंट थी अब आप एक टीचर हैं बीच में कुछ साल का गैप पड़ा जिसमें आप जॉब अप किया तो क्या डिफरेंस देखती हैं आप या क्या आपका विजन है टीचिंग को लेके सर मतलब पहले तो जो मतलब टीचिंग का थोड़ा ऐसे इजी सा था अब तो बहुत ज्यादा हमें एक्टिविटीज भी करवानी पड़ती है डिफरेंट एक्टिविटीज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तो हमें सोसाइटीज फॉर्म करनी पड़ती है वो एक्टिविटीज हमें करवानी पड़ती है हमारे कॉलेजेस में भी डेली जो एक्टिविटीज है वो चली रहती है मतलब आपको स्टूडेंट को आने के साथ साथ उन एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कराना है उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो थ्री डिग्री होनी चाहिए ना कि बस वो एजुकेशन में ही ध्यान दे बल्कि वो अदर एक्टिविटीज में भी ध्यान दे तो मेरे टाइम में इतना इस पे फोकस नहीं था सर अच्छा राधिका ये बताइए कि क्या टीचर का रोल ओनली ऑलरेडी जहां तक होता है या आपने yes. हैं, तो आप तो और एक आदर्श uh, टीचर मतलब एक आइडियल टीचर का क्या क्या काम होना चाहिए सर टीचर का रोल सिर्फ टीचिंग तक ही नहीं है इवन क्लासरूम के बाहर भी कई स्टूडेंट्स आपको मतलब कॉल करते रहेंगे पूछते रहेंगे आपसे तो एक मतलब टीचर का रोल एज अ मेंटर भी है और एज अ फ्रेंड भी है क्योंकि आपको, unko, अगर आपको उनको कुछ भी बताना है तो आप डांट के नहीं बता सकते आपको फ्रेंडली भी होना पड़ेगा सर तो टीचर का रोल रोलिस्ट भी है सर तो मुझे लगता है टीचर के बहुत सारे रोल है की राधे दिन सिर्फ आपको और भी चीजें करनी पड़ेगी साथ साथ में अच्छा चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे राधिका कि आपने डीसी ऑफिस में काम किया है आपने अलग अलग प्रोफाइल पे काम किया है वो सारी जॉब एक्सपीरियंस का आपको अब जो आप टीचिंग जॉब कर रही हैं उसमें आपको कैसे कहाँ हेल्प हो रहा है उसका सर so, मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ उस चीज का एक्चुअली हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में तो okay. उसमें अलग अलग रोल बांटे गए थे तो जस्ट बिकॉज मैं डीसी ऑफिस से काम करके आई थी तो उन्होंने मुझे अकेडमिक उसमें डाल दिया था जिसमें आपको रिपोर्ट लिखनी थी पूरी तो जो okay. मेरी रिपोर्ट थी उससे जो मेरे प्रिंसिपल थे वो बहुत खुश हुए कि मेरी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है तो मुझे हेल्प किया डीसी ऑफिस के जॉब ने इस चीज में तो मुझे लगा सर ओके okay. जैसे आपने एक असिस्टेंट की तरह से काम किया है मेरे कमिश्नर के साथ तो अब प्रिंसिपल साहब जरूर चाहेंगे कि राधिका जो है शी इज ऑलरेडी यू नो एक्सपर्ट इन दैट तो उनका पूरा हम बेनिफिट लें और राधिका को मल्टीटास्किंग दिया जाए सो आई एम वेरी श्योर उनको एक, एक एसेट मिला है is, yes. uh, अच्छा, राधिका अब चलते हैं इंटरव्यू की तरफ आप जानती हैं जैसे आपने बताया कि योरपीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं हिमाचल के नहीं ऑल ओवर इंडिया के करते हैं और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है तो मैं आपसे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो इंटरव्यू की डिटेल गाइडेंस के लिए आते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे आप जैसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पे आए वो डिटेल में बताए कि साहब इंटरव्यू किस तरीके से गया था वो सारे का सारा जाने उनको डर होता है क्योंकि देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू देना लाइफ अपॉर्चुनिटी होती है सबको नहीं मिलती इंट्रू yes, देना तो बात की बात है बट इंटरव्यू तक पहुंचना भी एक पूरी लाइफ का अचीवमेंट होता है मैं ऐसे बहुत से yes. लोगों को जानता हूं जो ये बोलते हैं कि मैंने एक बार एचपीएससी का इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था वो एक अचीवमेंट मानी जाती है राधिका आप तो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिटेल में हमें बताएं कि आप जिस दिन गई उसका पूरा एक्सपीरियंस आपने बताया मिनट चला था जिसमें आपको कि आप तो आप आप दिमाग में भी होगा कि साहब पता नहीं कैसे होगा कहाँ पे एचपीएससी है और एच है और कैसे कैसे होगा सारा वो तो सारा डिटेल में आप हाँ, हमारे साथ शेयर करें तो मेरा इंटरव्यू था वो ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर को था तो मैंने मैम से पहले ही छुट्टी ले ली थी डी ऑफिस से मैं दस दिन पहले आ गई थी क्योंकि मेरे मतलब आपके साथ बहुत सारे स्नैप्स थे तो मैं मतलब आपने मुझे बहुत टाइम दिया तीन तीन कई बार हमने दिन में तीन बार भी शायद स्नैप लिए और मुझे उस चीज़ ने भी वैसे बहुत हेल्प किया तो मैं बेसिकली उसके लिए छुट्टी लेके पहले ही आ गई थी और एच का मुझे आइडिया था शिमला में कहाँ पर तो जैसे मेरा इंटरव्यू था तो उस दिन मैंने साड़ी कैरी की थी क्योंकि आपने बोला था कि फॉर्मल ड्रेस पहनना कोई तो मैंने साड़ी पहनी थी सर उस दिन और फिर पे पहुंची मैं एट थर्टी वहाँ पे पहुंच गई थी वो हमारा टाइमिंग था कि आपको एट थर्टी पहुँचना है ए, उसके बाद उन्होंने एक हमें फॉर्म दिया जिसमें हमें अपना इंटरेस्ट एरिया अपने बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब भरनी है जब हमने वो फॉर्म फिल कर लिया उसके बाद हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वहाँ पे एक आ, एम्प्लॉय थे उनके पास लेके जाने थे फिर उन्होंने वो सारे चेक किए उसके बाद हमें बिठा दिया था वेटिंग रूम में तो उन्होंने मुझे नंबर भी दिया उन्होंने बोला कि आप लास्ट कैंडिडेट हो तो मेरा लास्ट था तो जैसे कोई आ रहा था बता रहे थे वो नर्वस है तो मैं और ज्यादा नर्वस होती जा कि सर और मेरा इंटरव्यू बन हुए स्टार्ट हुआ था इतना टाइम हो गया तो मैं ऐसी बहुत ज्यादा नर्वस हो गई जैसे वो आ रहे थे मैं उनसे पूछ रही थी आपसे क्या पूछा आप <laughs> कि यस सर तो जैसे मैं उनसे पूछ रही थी वो मुझे बताए जानते कि हम तो ये दे नहीं पाए आंसर हम ये दे नहीं पाए तो मुझे लगा मेरा पता क्या होगा और मैं तो लास्ट कैंडिडेट हूँ तो ऐसा होता है कि लास्ट कैंडिडेट की तो सर बहुत ज्यादा लंबा इंटरव्यू चलता ही है तो मुझे आइडिया तो बहुत वाला इंटरव्यू तो जैसी मैं अंदर वहाँ पे तीन थे बोर्ड मेंबर्स एक गवर्नमेंट नॉमिनी थे एक वहां के मेंबर थे और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे जो डीयू से आए थे तो मेरे तो बोला कि आप बैठ जाओ जैसे मैंने इंटरव्यू में उनको बोला मैंने कमल सर और मैंने उनको सबको गुड आफ्टरनून विश किया उसके बाद उन्होंने बोला आप बैठ जाओ फिर मैं बैठ गई सर जो मेरे फर्स्ट वो था वो मुझे हिमाचल के क्वेश्चन आने लगे जो मैंबर थे मेन वहां पे आई एस रिटायर उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे मतलब एचपी से रिलेटेड पहले की थे फिर किन्नौर में आगे वो उसके बाद मेरी जॉब से पूछने लग क्लर्क थे आप तो बताओ क्या क्या किया आपने क्या क्या आपकी फिर उससे रिलेटेड मुझे तो सर एच पी एक्ट्रॉ था तो मेरा एच पी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई उसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन और उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे दी वहां पे कि बताओ अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा मतलब मान लो कि आप स्टूडेंट स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूँ तो अगर मैं आपको डांटूंगा और अगर आप नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ तो फिर ये तो ऐसे ऐसा तो कुछ है नहीं कि टीचर तो डांटता ये कई बार हमारे लिए डांटता है हमारी ग्रूमिंग के लिए डांटता है टीचर तो हमारी भलाई के लिए डांटेगा तो आप सर मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं डांटेंगे शायद आप फ्रेंडली भी रहेंगे मेरे साथ कुछ टाइम बाद एक बार आपने डांट लिया आप भूल गए होंगे उस चीज को तो मैं दिल पे नहीं लूंगी एज अ स्टूडेंट फिर सर ने मुझे पूछा कि अकाउंटिंग के बारे में बताओ अकाउंटिंग आपको कैसे लगता है फिर उसके बाद सर गवर्मेंट नॉमिनी पे आ गए थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन से कॉलेज से पढ़े हो तो मैंने बोला संजौली कॉलेज से फिर बोला कब इस्टिश हुआ बताओ हमें फिर मैंने उन्हें बता दिया फिर वो बोलते हैं वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्यों है तो मैंने बोला सर वहाँ पे मैरिट खाई जाती है इस वजह से वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फिर उनके बाद उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताओ तो मैंने उनको बता दिया फिर उसके बाद उन्होंने बोला फर्स्ट कौन सी थी तो मैंने बोला सर कुठारी कमीशन ने बनाई थी ये 1968 में थी फिर बोलते उसके बाद भी थी कोई मैंने बोला हाँ सर 1986 में थी फिर सर उन्होंने से का लिया कि पढ़ाओ हमें। अच्छा, तो वो भी था तो मैंने पढ़ा। फिर उससे भी मुझे क्वेश्चनिंग आई तो वो जो डेमो था वो ज्यादा लंबा चल गया और थोड़ा सा चला तो मेरा ज्यादा लंबा चल गया वो क्योंकि उससे भी मुझे लगी ठीक है ये बताओ ये क्या होता है ये क्या है मतलब तो पार्टनरशिप पढ़ाया था मैंने तो उन्होंने बोला नुँ... मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बताओ फिर मैंने उनको बता दिया ऐसे ऐसे नु... करते हैं फिर नु... उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है पार्टनरशिप एक्ट कब था तो मैंने बोला नाइनटीन थर्टी टू तो वैसे चलती रही सर और उसके बाद उन्होंने है फिर और उसके बाद फिर क्वेश्चन आने लग गए उसके बाद एच पी सी और बारे में बताओ तो मैंने सर को बताया टू के अराउंड है वहां पे मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है तो नो मीनस नो तो मैंने बोला सर ये नो मीनस नो no जो है वो जंगी ठोपन वालों ने मना किया था कि अब और प्रोजेक्ट मत बनाओ किनोर में क्योंकि यहाँ लैंड हो रहे हैं काफी तो सर आपको आपको क्या लगता है मैंने बोला सर अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखू तो मुझे वो भी ठीक है और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है ठीक है डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए पावर प्रोजेक्ट्स चाहिए तो सर बोलता बैलेंस आंसर दे दो तो मैंने बोला सर मेरे तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें दोनों में कि वहां वहाँ लोकल लोग है वो भी ठीक बोल रहे हैं कि ठीक है आप पार बना रहे हो रहा है, अफेक्ट कर रही है उनकी को, हो तो सर लगे उस चीज अच्छा राधिका अब आपने बताया कि शुरू में जब आप एंटर की तो उन्होंने हिमाचल से क्वेश्चन आपसे पूछा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको याद है तो आप हमारे साथ प्लीज शेयर करें कि वो क्वेश्चंस क्या थे यस उन्होंने मुझे पूछा कि हिमाचल कब बना था सबसे पहले यही क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया फिफ्टीन अप्रैल नाइनटीन फोर्टी एट तो उन्होंने बोला ओल्ड हिमाचल में कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी सारे डिस्ट्रिक्ट थे बारह के बारे में मैंने बोला नहीं सर पहले चार ही होती थी महासू मंडी मंडीमौरा चंबा फिर बोलते अच्छा फिर बिलासपुर क्यों नहीं था उसका पार्ट तो मैंने बोला सर वो पार्ट सी स्टेट था बोलते क्यों तो मैंने बोला तब तक हिस्ट्री में पढ़ा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां का जो राजा था वो चाहता था कि वो अलग ही स्टेट रहे बिलासपुर तभी नाइनटीन फिफ्टी बिलासपुर मर्ज हुआ था आपका हिमाचल के साथ फिर बोलते अच्छा फिर बोलते और कौन सी डिस्ट्रिक्ट आए उसके बाद तो मैंने बोला फर्स्ट में नाइन सिक्सटी को किन्नौर था बना था तो अच्छा ठीक फिर बोलते हैं बायर के कौन से डिस्ट्रिक्ट बने तो मैंने सर उनको बताया कि शिमला और सोलन फिर उन्होंने अच्छा तो किन्नौर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मतलब किस चीज़ की होती है एक मतलब वाइन नाम की चीज़ है मैंने बोला सर एक लोकल वहां पे दारू तो मैंने बोला वो है फिर बोलते अच्छा वो बोलते सर वो बेचते भी है कि नहीं बेचते तो मैंने बोला सर इसके बारे में मुझे नहीं कि वो बेचते हैं या नहीं या लीगलाइज mm. है वो या नहीं नहीं इस बारे में फिर उन्होंने बोला बोला ठीक है है फिर उन्होंने जो प्रोजेक्ट उस वहां पे पे है वो मैंने बोला सर वो बासपा रिवर पे है तो बोलते कहाँ पे है बासपा रिवर तो, तो मैंने बोला सांगला बोलते उस वैली को क्या बोलते हैं मैंने बोला बासपा वैली तो भी बोलते हैं सांगला वैली भी बोलते हैं फिर बोलते ठीक है और उन्होंने बोला वहां पे जो आपकी सतलुज रिवर है कहाँ से एंटर करती है वो तो मैंने बोला खाब नमग्या करके विलेज है वहां से एंटर करती है तो सर वो बोलते कि साथ मिलती है ना वहां पे मैंने बोला हांजी वो स्पीति रिवर के साथ मिलती है तो बोला ठीक है फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किन्नौर से बिलोंग करते हो तो किन्नौर में मतलब कंडीशंस कैसी है तो रोड की कंडीशंस कैसी मैंने बोला अब तो बहुत हो गई है एज कंपेयर टू जब मैं 2000 में वहां पे रही थी तो अब तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए तो सर बोलते हैं आपको क्या लगता है किस वजह से डेवलप हुई तो मैंने बोला सर वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है बेसिकली वो हाइड्रो पावर पारोक्ट लगे उसी के बाद वो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और लोगों ने ज्यादा उसके बाद जानना भी शुरू किया कि क्या है किन्नौर में और वहाँ पे एक तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है आपके तो क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो सर बोलते बॉर्डर किसके साथ लगता है तो मैंने बोला सर तिब्बत के साथ चाइना के साथ तो सर बोलते कहाँ से तो मैंने बोला सर के पास से भी है वहाँ पे भी आईटीबीपी की फोर्स है हमारी और ये किन्नौर में लगता है इसका बॉर्डर तो सर बोलते अच्छा ठीक फिर सर बोलते और आपको लगता है कि मतलब किन्नौर और कौन करता है शेयर बॉन्ड्री किन्नौर लोहल्स पी थी भी ए फिर सर ने बोला ठीक उसके बाद सर फिर मुझसे अकाउंटिंग अच्छा, के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे अच्छा राधिका जिस कॉलेज में आप पढ़ी हैं संजोली में जिसको सेंटर ऑफ बोलते हैं तो फ्यूचर में आपको वहां पे भी टीचिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है सर अगर वहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ी उठा के पढ़ा रही हूँ तो इससे ज्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती मेरे लिए ऑब्वियसली अच्छा अब आप, आपका जो प्रोफाइल था आप इन डीसी ऑफिस आपने काम किया है तो आई एम वेरी श्योर क्योंकि वो आई एस थे मेंबर तो उनका इंटरेस्ट उसमें होगा आप प्लीज शेयर करें कि आपकी जॉब से रिलेटेड तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे थे स्पेसिफिकली हाँ जी सर उन्होंने मुझसे पूछा था कि एज अ पी क्या काम होता है आपका तो मैंने okay. बताया जो मेरी असिस्टेंट कमिश्नर है उनकी टू डायरी प्रेपेयर करनी पड़ती है उनकी जो मीटिंग्स है मुझे याद रखनी पड़ती है उनको याद भी दिलवाना पड़ता है कुछ मिसलिनियस रख के उनको डील भी करना पड़ता है और कुछ जो वर्क वो एक्स्ट्रा अलॉट करते हैं लाइक कोई लेटर्स डील नहीं करेंगे वो भी मुझे ही करना पड़ता है तो सर बोलते आप कर मनोहर कर लेती हूँ तो कोई ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन राधिका जो आपको लगा हो कि ये तो मेरे को नहीं आया और बड़ा टिकलिश क्वेश्चन था जिनको मैंने बिल्कुल नो कर दिया मुझे नहीं आते तो मैंने तुक्का नहीं मारा आपने बोला था कि ब्लफ नहीं मारना है वरना क्रॉस हो जाएगी उन्होंने मुझे तो बोला कि आर्मी का कुछ मेक इन इंडिया में ही चल रहा है अभी तो मैंने बोला सर मैंने मतलब मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ा है बट मुझे पता नहीं है कि आर्मी का सच क्या चल रहा है तो सॉरी सर मैं सॉरी चाहूंगी कि मुझे नहीं आएगा ये क्वेश्चन तो उन्होंने बोला ठीक है एक सर ये वाला क्वेश्चन था और दूसरा जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब कि की में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की कितनी अः क्षमता अभी कितनी कैपेसिटी है तो मुझे टोटल कैपेसिटी नहीं

ऑफ एक्सीलेंस क्यू बोलते हैं संजौली कॉलेज का और उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे पूछे थे हाँ जी मार्क्स पूछे थे उसके बाद और उसके बाद मार्क्स नहीं किसके नहीं जो, नहीं जो रिटन एग्जाम हुआ था उसकी बात कर रहे हैं आप नहीं सर मेरे प्लस टू के मार्क्स प्लस मेरे कॉलेज हाँ जी अच्छा तो क्या उनके पास आपका बायोडाटा ये डिटेल होता है राधिका जब आप इंटरव्यू के लिए जाती हैं

बट हम सिक्सटी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए कुछ एक्स सर्विस मैन की सीट्स थी वो खाली रह गई थी सर तो ये और मैं कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ तो मेरा सर उसमें सिलेक्शन हमारी फाइव सीट्स थी सर अच्छा तो राधिका जैसे अभी कॉमर्स बैकग्राउंड से आप हैं तो जो स्टूडेंट अभी सुन रहे हैं हमारा इंटरेक्शन सुन रहे हैं आप उनको बता सकते हैं कि और अपॉर्चुनिटीज कैसे कैसे निकलती हैं कि अगर किसी को टीचिंग में जाना हो लट से आपने कॉमर्स कर रखा है आपने बताया कि साहब आपने एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाला था और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है तो जो कॉमर्स ग्रेजुएट है लट से जो बी कॉम कर रहा है बच्चा या प्लस वन प्लस टू कॉम कॉमर्स में कर रहा है उसको आप थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन सी सीट्स निकलती हैं और इस सेट और नेट क्यों देना जरूरी है तो सेट और नेट तो इसीलिए देना जरूरी है क्योंकि ये एलिजिबिलिटी है मतलब बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन में ही आता है कि आपको ये क्लियर करना ही पड़ता है तो एलिजिबिलिटी okay. के बाद आप फर्दर जो ये अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के टेस्ट है ये दे सकते हो बाकी से जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है एमकॉम करने के बाद वो बी भी कर सकते हैं मेरी फ्रेंड है वो पीजीटी भी लगी है पीजीटी कॉमर्स तो mm. तो हमारे पास स्कोप है या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो या पीजीटी टी ज्वाइन कर सकते हो सर और असिस्टेंट प्रोफेसर okay. और नेट तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा यस सर तो अभी जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगी हैं तो आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है मतलब प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है? है, आप से मिली होंगी, तो कैसी है आगे किस तरह का है सर uh, उन्होंने मुझे बताया था कि हमें मतलब uh, 14, 14 बताया था उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं उसके बाद आप चाहो तो प्रिंसिपल का टेस्ट भी निकलता है वो भर सकते हो या फिर अपनी प्रमोशन का वेट कर सकते हो फिर आप प्रिंसिपल बनते हो पर उसके लिए आपको पीएचडी जरूरी है तो सर अभी दो साल बाद जरूर पी करना चाहूंगी क्या दो साल के बाद आपका डिपार्टमेंट आपको कर कर देगा आप सकती हैं, जा सकती हैं हैं? जा साल। वो, हम पे फॉलो नहीं होते क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो मैंने सोचा पर अभी चलूंगी, मैं बिल्कुल प्रो, पर के साथ ही चलूंगी क्योंकि जब मैं किन्नौर से मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था तो भी मैंने प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल किया था तो मुझे उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया कि जो मेरी सर्विस में काउंट हो गया सर्विस चलिए अब राधिका एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आप, आप चाहे तो इसका आंसर दें चाहे तो ना दें क्वेश्चन ये है कि आप अपने डीसी ऑफिस में काम किया है आपने इनको IAS, के साथ काम किया, आपने देखा इनका लाइफस्टाइल और इनका प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज तो क्या आपको मोटिवेशन मिला कि आप भी एचएएस आईएएस वगैरह में कभी जाएं आ, सर नहीं सर मेरा ड्रीम जॉब भी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का था शुरू से तभी मैंने कभी इस चीज के लिए तैयारी नहीं की मतलब उनका भी H पर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था उस चीज में इसीलिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे मैंने फोकस रखा सर वंडरफुल yes. और हमें जरूर ऐसे लोग चाहिए जो बाई चॉइस टीचर बने बाय बाय चांस नहीं चॉइस और वो उनकी पहली चॉइस होनी चाहिए yes. तभी कंट्री uh, में अच्छा इकोसिस्टम टीचिंग का बनेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे लेके जा सकते हैं अगर ऐसे आपके जैसे कैंडिडेट मिले राधिका तो लेट मी थैंक यू आपने टाइम दिया एंड लेट मी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टीचिंग करियर है सो oh मच आपका जो आपने मतलब मुझे इतना गाइड किया और मैं आज इस मुकाम पे हूँ तो इसमें आपका भी हाथ ही है क्योंकि मैं, मतलब मैं अगर आपसे मतलब नहीं लेती गाइडेंस तो मुझे लगता है शायद मैं भी वहाँ पे मतलब नर्वस हो जाती कुछ आंसर स्किप कर जाती और अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाती अपने आंसर्स को तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ